आप देख रहे हैं रिमिस गार्डन और मैं हूं रिमि। भारत मसालों का देश है और आज की हमारी वीडियो भी मसालों पर ही है। मसाले पेड़ में उगते हैं, पौधे में उगते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ मसालों के कुछ ऐसे पौधे हैं जो वाकई 2-in-1 है, यानी एक ही पौधे में एक से ज्यादा तरह के मसाले उगते हैं। कई बार दो तो कई बार दो से ज्यादा मसाले एक ही पौधे में उगते हैं। आप चौंकने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारी वीडियो शुरू हो रही है। नंबर 1, जायफल और जावित्री, ये दोनों एक ही पौधे में उगते हैं। ये मिरिस्टिका फ्रैग्रेंस नाम के पौधे से आते हैं। यह इनका वैज्ञानिक या बोटैनिकल नाम है। दरअसल यह एक बड़े आकार का पेड़ होता है जिसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं और ये सदाबहार यानी कि एवरग्रीन होता है। पौधे की ऊंचाई 5 से 15 मीटर तक की हो सकती है। इस एक ही पेड़ से जायफल यानी कि नटमेग और जावित्री यानी कि मेस दोनों ही मिलता है। इसमें जो फल आते हैं उसका बीज नटमेग या जायफल होता है और सीड के ऊपर का सीड कवर जो होता है वो ही जावित्री या मेस होता है। इसके अलावा इसके बीजों से एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है और नटमेग बटर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक खेती की बात है, इनकी खेती भारत में केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुतायात में होती है, पर आप इसे भारत के किसी भी हिस्से में उगा सकते हैं क्योंकि ये एवरग्रीन है। एक पौधे से यानी कि एक पेड़ से हर साल तकरीबन 5 क्विंटल तक जावित्री और 30 क्विंटल तक जायफल मिल सकता है, हार्वेस्टिंग की जा सकती है। इस पौधे के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल फ्लावरिंग अलग अलग होती है। अगर आपके पेड़ पे दोनों फ्लावरिंग हो रही है या दोनों अलग तरह के पेड़ आपके पास हैं, तभी फल आपको मिल पाएंगे। दूसरे नंबर पर हमने रखा है द रियल स्पाइस किंग पेपर यानी गोल मिर्च को। क्या आप जानते हैं कि गोल मिर्च की बाजार में 4 किस्में मिलती हैं? एक काली मिर्च, दूसरी सफेद मिर्च, तीसरी लाल मिर्च और हरी वाली गोल मिर्च भी मिलती है। हालांकि काली गोल मिर्च से इन सब की कीमत ज्यादा होती है, पर सबसे मजेदार बात ये है कि ये सारे एक ही पौधे में उगते हैं। दरअसल इनकी वाइन होती है। हम जिस गोल मिर्च की बात कर रहे हैं वह पिपरेसी फैमिली का पौधा होता है। बोटैनिकल नाम या वैज्ञानिक नाम इनका पाइपर निग्रम होता है और इसे कई लोग पेपरकॉर्न भी बोलते हैं या ब्लैक पेपर पेपर के नाम से बुलाते हैं। इसकी वाइन होती है जिसे सेड में या फिर इंडोर उगाया जा सकता है। बहुवार्षिक लता होती है यानी एक ही लता कई सालों तक रहती है और उसमें फल फूल आते रहते हैं। इसे आमतौर से कटिंग से लगाया जाता है, पर बीज से भी आप उगा सकते हैं। जो ताजे फल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। स्टोन सीड होता है, एक फल के अंदर एक ही बीज होता है, कोई गूदा नहीं होता है। तो हरी गोल मिर्च हो गई, वही जब पक जाता है तैयार हो जाता है तो लाल गोल मिर्च हो गई, जब उसे सुखा देते हैं प्रोसेस कर देते हैं तो वो काली मिर्च हो गई और उसके छिलके उतार दिए तो सफेद गोल मिर्च हो गई। ये 2-in-1 नहीं 4-in-1 मसाला हो गया। तीसरे नंबर पर हमने रखा है दालचीनी और तेज पत्ता को। दालचीनी यानी सिनेमन और तेज पत्ता यानी बे लीफ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये दोनों एक ही पौधे से मिलते हैं। तेज पत्ता पेड़ का पत्ता हो गया और सिनेमन इसी पेड़ की छाल हो गई। वैसे बाजार में कई तरह का दालचीनी या सिनेमन आपको मिलता है जिसे असली और नकली बताया जाता है। यह मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अलावा कुछ भी नहीं है। श्रीलंकाई दालचीनी को लोग असली दालचीनी बोलकर बेचते हैं क्योंकि वो महंगी है। भारतीय दालचीनी सिनेमनम केसिया इनका बोटैनिकल नाम है। ये भी दालचीनी की वैरायटी है और आप जानते हैं कि मसालों में भारत का हमेशा से राज रहा है, ये नकली कतई नहीं है।
इसका पेड़ 15 से 20 मीटर तक की ऊंचाई का हो सकता है। बड़े आकार का पेड़ होता है तो आपको आउटडोर लगाना पड़ेगा, पर आप चाहें तो बोनसाई की शक्ल में इसे 18 से 20 इंच के गमले में लगा कर रख सकते हैं। बड़ा गमला हम इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं ताकि आप दालचीनी और तेज पत्ता दोनों ही हार्वेस्ट कर सकें, उनका रोजाना के खाने में इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि सेहत से भरपूर तो ये होते ही। अगले नंबर पर हमने रखा है अदरक और सौंठ को। ये दोनों ही मसाले एक ही पौधे से प्राप्त होते हैं। शायद आपको पता होगा अदरक हालांकि सब्जी और मसाले दोनों में काउंट होता है, पर सूखी हुई अदरक को ही सौंठ बोलते हैं। सूखी हुई अदरक को कूट के उसका पाउडर बनाया जाता है और वही सौंठ कहलाता है। पांचवें नंबर पर मैंने रखा है लाल मिर्च और हरी मिर्च को। जी हाँ, ये दोनों एक ही पौधे से मिलते हैं और शायद आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते भी होंगे। पौधे में जब मिर्ची आती है तो वो आमतौर से हरे रंग की ही होती है, ऑर्नामेंटल चिली की बात अलग है, वो रंग बिरंगे होते हैं। पर ये मिर्च जब पक जाती है या मैच्योर हो जाती है तो लाल सुर्ख लाल रंग की हो जाती है। यानी लाल मिर्च और हरी मिर्च का पौधा अलग अलग नहीं होता है, एक ही पौधा होता है। हाँ, पौधे की आयु 2 से 3 साल तक ही मैक्सिमम होती है, तो आपको हर साल इसके नए पौधे लगाने पड़ते हैं, पर एक ही पौधे से दोनों ही मिर्ची आपको मिल जाती है। अगला क्या हो सकता है? क्या हरी इलायची और काली इलायची एक ही पौधे से मिलते हैं? नहीं, हम अपनी वीडियो को यही रोक रहे हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए ताकि हम इस लिस्ट को आगे बढ़ा सकें। अगली वीडियो में कुछ और मजेदार नाम लेकर आपके पास आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।